सो यूवर्स गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल गेमिंग टैग प्यांसु में। इस के साथ ही वीडियो के अंदर हम जो है बात करने वाले हैं रियल क्रो 22 का कब तक फुल वर्जन लॉन्च होगा और एक इसके अंदर जो है आपको कौन कौन से नए फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। सभी चीज़ों के बारे में फुल डिटेल के अंदर आज वीडियो के अंदर आपको पता लगेगा। सारे फीचर्स भी बताएंगे और इसकी रिलीज डेट भी बताएंगे। सो वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहेगा और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी और पे प्रेस कर दीजिएगा। सो चलिए करते हैं शुरू फाइनली स्टार्ट। सो ये सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस फीचर्स की। तो सबसे पहले तो आप सभी को इसके अंदर जो है न्यू कमेंट्रीज ये देखने को मिलने वाली है। जैसे कि यार गाइस सबसे पहली कमेंट्री आपको जो देखने मिलेगी वो है डेनी मॉरिसन की, जो कि यार गाइस इंग्लिश कमेंटेटर रहेंगे और एक मेल कमेंटेटर रहेंगे। और दूसरी गाइस इस्था लेकर की, जो कि यार गाइस एक फीमेल कमेंटेटर है, इनकी भी जो है चांसेस यही है कि इंग्लिश में ही कमेंट्री रहेगी। तो इन दोनों की यार गाइस जो है कमेंट्री ऐड होने वाली है और इसके अलावा एक आध कमेंट्री शायद और भी आए। सो किसी तो गई कमेंट्री की बात एंड इसके अलावा गाइस जो भी फीचर्स इस समय लॉक है जैसे कि कोप और यार गाइस कमेंट्रीज के अलावा आप सभी को कुछ और फीचर्स जैसे कि यार गाइस इस समय कोप मोड जो कि यार गाइस मल्टीप्लेयर के अंदर ऑफ है और 2v2 वो सब भी गाइस ओपन कर दिया जाएगा जितनी चीज़ इस समय लॉक है। और किस जो आप बग्स रिपोर्ट करोगे कंपनी को वो भी यार गाइस फिक्स कर दिए जाएंगे और भी कुछ नए फीचर्स आ सकते हैं इसके फुल वर्जन में। तो यार गाइस फाइनली बात आती है कि फुल वर्जन कब होगा लॉन्च। तो यार गाइस मैं आपको बता दूं यार गाइस इनका जो फुल वर्जन है तो यार गाइस वो अभी समय लगेगा क्योंकि यार गाइस अभी तो इन्होंने अपना गेम लॉन्च किया है, थोड़ा सा और समय लगेगा गाइस उसके बाद ही आपको गेम देखने को मिलेगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कम से कम 1 से 1.5 महीने तक और भी ये समय लेंगे और उसके बाद ही जो है ये अपना फुल वर्जन लॉन्च करेंगे गेम का। तो इसके साथ छोटो बस इतना इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मित्रों पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलो मिलते हैं वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।